Okay, good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning, sir. We'll start their video, please. Video, please. Conan Qureshi has come or not? Conan has joined. 4 minutes ke baad meeting lock karna hai. Vidhi, mujhe aap batayengi. Vidhi ya Vaishnavi? Vaishnavi. Oh, Vaishnavi. Yes, sir. Tell me after 4 minutes to lock the meeting. Okay, sir. Okay. Now, yesterday I was discussing simple pendulum. Simple pendulum mein sabse pehle maine bataya what is ideal simple pendulum. Ideal simple pendulum consists of heavy point mass suspended by means of weightless system, but in practice, you cannot have both point mass and weightless. Heavy point mass. नीता चौधरी अपना नीता चौधरी अपना ऑडियो म्यूट करो ऑडियो नीता चौधरी ऑडियो म्यूट करो ऑडियो म्यूट करो अपना small but heavy metal sphere which is called bob suspended by means of light string from a rigid support. The length of the pendulum is the distance from point of suspension to kya bataya tha to center of mass of the bob. To center of mass of the bob. This is what is length of pendulum. Distance from point of support to the center of mass of the bob. Jitu, what is length of pendulum? Length of pendulum kya hota hai? Distance from where to where? The distance from... Abhi bola, abhi, turant bola, turant puch raha hu main. सर वो मैं अपने कॉलेज का लेक्चर वो ज्वाइन कर रहा था इसके लिए सर ज्वाइन करो खाली और उधर ध्यान इधर रखो पूरा भार्गेश सब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सब सेंटर ऑफ मास तक दैट इज राइट परफेक्ट आंसर परफेक्ट ओके तो ये हो गया ये इसके बाद हमें प्रूव करना है प्रूव करके दुनिया को दिखाना है देखो मेरी क्वेश्चन क्या है वो भी पूछने वाला हूँ मैं हमें प्रूव क्या करना है मालूम है हमें प्रूव करना है कि इफ बॉब सुनो मैं पूछने वाला हूं कीड़ा हो गया क्या थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते अगर बॉब को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए मतलब नॉट लार्ज ऐसा टिक थोड़ा सा गत्ता तो इट विल कम बैक एंड इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस लाइक दिस सो वी हैव टू प्रूव दैट इट एग्जीक्यूट्स To show that Bob performs SHM. Bob, एक condition ये है कि बहुत ज्यादा displacement नहीं देना है छोटा सा displacement देना है ऐसे जरा सा displacement देना है तो दुक 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 ये हो गया ना हमको प्रूव कर रहा है कि it performs linear SHM. भार्गेश question क्या बोल Yes sir, sir Bob का एक pendulum है अगर हमने उसको एकदम short displacement दिया तो हमको ये प्रूव करना है कि पेंडुलम लिनियर एसएचएम परफॉर्म करता है कि नहीं दैट इज राइट बहुत अच्छा तुम भर्गेश ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह आंसर देते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे ओके ओबे ना हां सर लॉग जंपिंग हां या वेट आ भर्गेश कल तुम नहीं थे लेक्चर में मैं 4 दिन से नहीं हूँ क्यों नहीं हो कारण सर एक प्रॉब्लम है फैमिली में तो ठीक है तो देखो दिस इज व्हाट इज पेंडुलम अच्छा आप मुझे एक बात बताओ व्हेन द बॉब इज द रेस्ट मैं पूछने वाला हूँ एक एक चीज पूछता रहूंगा व्हेन द बॉब इज द रेस्ट कैन आई से स्प्रिंग इज वर्टिकल स्ट्रिंग बराबर सीधी होती है जब बॉब रेस्ट पे होता है तो एम आई राइट और रॉन्ग
बोलो बोलो यस और नो मुर्तजा ओ मुर्तजा यस सर अरे ओ मुर्तजा व्हेन द बॉब इज ड्रेस व्हाट इज स्ट्रिंग वर्टिकल दैट इज राइट नाउ लेट द बॉब बी डिस्प्लेस्ड लेट एम बी द मास ऑफ द बॉब एंड लेट द बॉब बी डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन वर्ड स्लाइटली बोलने का लेकिन दिखाने का थोड़ा ऐसा बड़ा था Let the bob be displaced slightly from its main position. Okay, let this distance by which it is displaced is x. Let theta be the angular displacement. X chota hai, jyada bada nahi. In the displaced position, what are the forces acting on the bob? Sabse pehla force kya hoga? If m is the mass, what is the first force? Anyone who can say? Hussain Dagi na? Dudu Hussain. Yes, sir. If m is the mass, what is the weight? M is the mass, what is the weight? Koi anybody? Asif, what is the weight? Asif, if m is the mass, what is the weight? Weight will be mg. And tension in the spring. And what? टेंशन इंडस्ट्री ये दो फोर्स एक्ट करते हैं नाउ वी रिजॉल्व व्हाट यू नो एमजी इनटू इट्स कंपोनेंट दिस कंपोनेंट विल बी एमजी कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी एमजी साइन थीटा ये रेक्टेंगल से mg cos theta and mg sin theta. Remember one thing. T minus mg cos theta. Tension minus mg cos theta. Provides. Anybody can tell me what you are right. Kyunki ye perform aise ye part of the circular motion hoga. So T minus mg cos theta will provide what? Anyone. Provide which force? Centripetal. Provide centripetal. And P sine theta remains unbalanced. And act as, anybody can tell me what will happen? Act as which force? Any one of you, Bindas below. Is it centrifugal? No. अच्छा एक बात बताओ SHM की डेफिनेशन में हमने F को क्या बोला था F को F was which force F was that's right lovely answer who was that मैं देख पा रहा हूँ whose answer was that? Please tell me. रोशनी. Very good रोशनी. Beautiful answer. बहुत अच्छा. तुमने क्लास को रोशन कर दिया. तो this ended there and act as restoring force. और restoring force you know because it is opposite to the displacement we can say F equal to यहां से माइनस साइन आती है माइनस एम जी साइन थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफ इक्वल टू व्हाट माइनस एम जी साइन थीटा ये लिखना बहुत जरूरी है सबसे पहले व्हाई माइनस साइन बिकॉज इट इज रीस्टोरिंग फोर्स इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट नाउ यू नो मैक्स की प्रॉपर्टी सिंस थीटा इज स्मॉल डू यू नो वन प्रॉपर्टी ऑफ थीटा जब भी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा इज व्हाट approximately equal to anyone maths mein kai baar humne use kiya hai jab bhi theta chhota sa nanha sa hota hai to sin theta can be written as theta and you know you must be knowing the formula ye wala formula ye s hai ye r hai aur ye theta hai anybody knows the formula for s aapne 11th standard ke maths mein kiya tha length of the arc equal to शायद टेंथ में भी था इसमें आर थीटा दिस थीटा हैज टू बी रेडियन एस इक्वल टू आर थीटा
Well, this theta has to be in radians. So what is theta radian equal to? Theta radian equal to length of the arc upon the radius. So can we say equal to length of, suppose this point I call A, this point I call B. The length of arc AB upon radius. And therefore, theta equal to x upon L. This is suppose equation one. This we substitute in one. This we substitute in equation number one. अच्छा एक बात बताओ ना मुझे, ये तो मैं पूछने वाला ही हूँ, ये मैं पूछूंगा किसको मालूम है, ओम ओम का तो नया आया है अभी. Let me ask Vaishnavi. What is the equation for restoring force? F equal to what, Vaishnavi? F equal to mathematical definition. Minus kx. That's lovely. And therefore, you know, we can say F proportional to F. Satisfy कभी भी है ना कोई particle के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई दो बातें. Restoring force is directly proportional to displacement. Negative sign shows that restoring force and displacement are opposite in direction. Hence, both the conditions are satisfied. And particle performs linear SHM. And particle performs what? Linear SHM. So, ye hai na dhyan mein rakhe. If I substitute this here, so F ka kya aayega? F equal to minus mg upon L into x. But m, g, and l are constant. And therefore, can I write F equal to minus kx? Because MGL all three are constant, and therefore, what is the nature of F and X? F is directly proportional to X. Thus, both the conditions are satisfied. What is the condition number one? Restoring force is directly proportional to displacement. Negative sign shows that restoring force and displacement are opposite in direction, and hence this particular bob executes. Duk, 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 duk. Ye kaun sa motion hai? ट्रो 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 ये कौन सा मोशन है बोलो बोलो SHM इट एग्जीक्यूट्स SHM देखो एक बार फिर से मैं इतना पार्ट रिपीट करता हूं इस पार्ट में हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि अगर बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ऑलराइट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड रिलीज तो दिस विल परफॉर्म लीनियर SHM बॉब विल परफॉर्म लीनियर SHM ये हमें भूलना नहीं है. Okay, I would like to ask Asif was nahi hai kya lecture mein? Asif Raja, are you there or no? Asif nahi lagta hai. Okay, what is the formula for kinetic energy? Kaun and Qureshi? Kinetic energy of particle performing SHM. Kal kiya tha humne. Kal tum thi. Kinetic energy. कौन है तुमको आना पड़ेगा ना बोलो कि नहीं आ रहा ऐसा कुछ भी बोलो नहीं आओगी मैं सीधा निकालने वाला हूँ या राइट और बराबर सेंटर ऑफ द स्क्रीन आओ देख के बोलो चलेगा मेरे को देख के बोलो चलेगा माइनस एक्स क्या माइनस एक्स स्क्वायर हाफ के इनटू ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर इज दैट आंसर राइट माशेक माशेक यस सर ये आंसर राइट है क्या हाफ के इनटू ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी यस सर That's wrong. No, sir. It will come a square minus x square. Half k into bracket a square minus x square. Then I would like to ask Hussain, what is the formula for potential energy? Yes, sir. Bol. Sir, potential energy.
मैक्सिमम और मिनिमम अरे पोटेंशियल नहीं का जनरल फॉर्मूला चाहिए मेरे को सर हाफ के एक्स स्क्वायर दैट्स राइट टोटल एनर्जी विल बी आंसर्ड बाय कौन कौन रहता है कौन कौन नहीं रहता है आई डोंट लाइक दिस आलोक गुप्ता यस सर बोल टोटल एनर्जी सर शायद नहीं था मैं कल सर मैं बोलू कौन नीता हाँ नीता बोलो प्लीज प्लीज नीता या हाफ के ए स्क्वायर दैट्स राइट हाफ के ये नीता कल फर्स्ट लेक्चर था पहला लेक्चर नीता का था हाँ तुम लोगों ने इतने टाइम से रोज अटेंड कर रहे हो नीता ने पहले लेक्चर में आके पकड़ दिया आंसर दे रही है मेरे को एटलीस्ट शी इज अटेंटिव उसको शायद के क्या है ए क्या है कुछ मालूम नहीं है बट शी इज नोइंग द आंसर वेरी गुड नीता कंटिन्यू लाइक दिस बहुत अच्छा नीता आई एम रियली हैप्पी विथ यू कोनन तो अभी भी नींद में लग रही है मेरे को ओके एक बार फिर से यहां तक See, when the bob is at rest, string is vertical. This is called mean position. When the bob is displaced slightly from its mean position and released, it performs as a check. Let at a particular instant, its displacement is X. The forces acting on the bob are two main forces. Number one, its own weight mg acting vertically downward and tension T in the spring. We resolve mg into its component, mg cos theta, mg sin theta. The component T minus mg cos theta provides necessary centripetal force. The component mg sin theta remains unbalanced, hence it acts as restoring force. Therefore, F equal to minus mg sin theta, equation number one. Since theta is small, we can write sin theta is theta, that is nothing but your formula, S upon R. Length of the arc upon the radius. Well, therefore, theta equal to length of the arc is x, the radius is L. In the other side, therefore, L, L, and L, 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 L. Okay. And therefore, agar theta ke badle x, so sin theta ke badle theta, or theta ke badle x by L, so F will become minus mg by Lx. Therefore, F equal to minus kx, F proportional to x. Thus, restoring force is directly proportional to displacement. Negative sign shows that it is directly opposite to displacement. And both the conditions are satisfied. And therefore, Bob executes SHM. And now we derive an expression for period of simple pendulum. Anybody can tell me what is the meaning of period? Afif, what is period means? The Afif. Time taken to complete one oscillation. That is right. In this chapter, one oscillation. Circular motion, mein one revolution. All right. So our aim is to derive an expression for period. Okay, understand. Tell me one thing. Newton's second law se F ka answer kya hai? Newton's second law ke hisab se F ka answer kya hai? F equal to what? F ka Newton's second law, F equal to what? Anyone? So, anyone? So is it mg? Mg nahi, ma. Mg to weight hota hai yaar. F equal to ma. F equal to ma. And therefore, what is A equal to? A equal to F upon M. F is what? F is this, minus mg by L into X. Upon M. Ye dekho, F ke badle, minus mg by L. This yum will get cancelled. Therefore, what is A equal to? Minus g upon L into X. In SHM, A equal to In SHM, A equal to, I would like to ask Hussain, what is A ka formula acceleration in terms of displacement, SHM? Yes, sir. Acceleration ka formula ball. Sir, minus omega x, minus omega square x. Bahut achha answer, bahut pyara answer. I loved it. Bahut achha answer. I can equate it in. So, therefore, minus omega square x
equal to minus g upon l into x. Therefore, omega square is g by l. And therefore, omega is root of g by l. What is periodic formula with omega? Periodic formula omega, kya hai? Let me ask. Murtaja. Tika aur omega ka kaun sa formula hai, Murtaja? Yes, sir. Sir, 2x upon omega. Huh? Kya? So, 2x upon omega. 2x? 2x upon omega? Ye kahan se le aaya beta? Sir, 2 pi upon omega. Sir, that's right. That's right. 2 pi beta, wo x nahi hai. D equal to 2 pi by omega. That is 2 pi upon root of g by l. मुझे रॉन्ग आंसर दोगे ना तो भी चलेगा लेकिन फटाक करके स्क्रीन पे आने का वो अस्का शेख तो गायब हो गई है अस्का आर यू देयर अस्का शेख देखो क्या बता बच्चे लोग क्या करना चाहते हैं 2 पाई रूट ऑफ लंबो जी ये फॉर्मूला इसको याद रखने के लिए मैं क्या बोलता हूं मतलब 2 पाई रूट ऑफ लंबो जी 2 pi root of L by G. ये formula learn by heart करना है. Learn by heart. अगर कोई बोले frequency का formula बताओ तो इसका reciprocal 1 upon 2 pi root of G by L. एक बार फिर से ये part आपके सामने. कौन सा period वाला part? Period. देखो. We know from Newton's second law F equal to ma. Therefore A equal to F by M. F यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो minus mg upon lx in upon m m gets cancelled a equal to minus g upon lx in as it can a equal to minus omega square x equal to 2 so minus omega square x equal to minus g upon lx x x minus minus cancel omega square will be g by l. Omega will be root of g by l period is t equal to 2 pi by omega that is 2 pi upon root of g by l Therefore, t equal to 2 pi root of lambu g. T equal to 2 pi root of l upon g. All right. Let me ask. Colin Qureshi, what is the formula for period of simple pendulum? Sir, I was giving attendance in the college. Link hai hai. Hey, dekho, ek style abhi dikh bhi nahi rahi hai. Matlab so gayi hai. बराबर सेंटर पे आ और ऊपर बराबर से रोज जैसे रहती हो वैसे I don't like this यार क्या बच्चे लोग हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो नया बहाना और उष्णा उष्णा यस आर यू देयर उष्णा अस्का को फोन लगाओ ना अस्का क्यों नहीं आ रही है Sir, Vaishnavi, what is the formula for period T? Sir, 2 pi upon omega. No, the answer is T equal to 2 pi root of L by G. 2 pi root of L by G. L by G. All right, ये वाला answer देंगे. So, अभी है ना, ये हो गया. Simple pendulum की कहानी हमने prove किया कि भाई it executes linear SHM. फिर हमने प्रूव किया कि उसका पीरियड का क्या है फॉर्मूला ऑलराइट अब हम देखेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा लॉ और स्ट्रेट अवे सारे क्वेश्चन कोनन को जाने वाले हैं कोनन 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 जस्ट से यस नो वापस गायब हो गई यस सर तो क्या इतना टाइम क्यों लगता है तुमको मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुमको बोलना नहीं मेरा अटेंशन नहीं था अभी हम लोग लॉ करेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम देयर आर फोर लॉज कौन कितने लॉ हैं यहाँ पे हाउ मेनी लॉज आर देयर फोर या दैट्स राइट वेरी गुड आंसर क्या आंसर है बस ऐसे आंसर देती रहो इतना इजी तो है Okay, Colin, tell me what is the formula for period T for a simple pendulum? T equal to what? Abhi to attention tha ki abhi bhi nahi tha.
लंबू जी वाला भी बोला था ना दो तीन बार, टू पाई, टू पाई रूट एल बाय जी. दिस इज द फॉर्मूला. देयर आर फोर लॉस. पहला है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. मैं नाम पूछने वाला हूँ कोलिन कुरैशी. नंबर थ्री है लॉ ऑफ मास. तुम्हारा पूरा नींद उड़ा दूंगा अभी मैं. एंड नंबर फोर लॉ ऑफ एटॉमिक. चल चार लॉ के नाम बोल, नाम बोल. व्हाट आर द फोर लॉज कोलिन? लॉ ऑफ लेंथ, एक्सेलरेशन, मास एंड आइसोक्रोनिज्म. Let us understand law of length. कोई मुझे बताएगा what is the relation between T and L as per this formula? T और L का relation क्या है? Anybody? Root of L. Manj? T और L का relation क्या दिख रहा है? That T proportional to L. T proportional to root L. What is T का relation with G? Root 1 by G. That's lovely. What is the relation of T with mass? T with mass of the pendulum? Yes, as D omega. M is still 0. I have 1 independent of mass. It does not depend upon the mass. Law of isochronism. What is the relation of period with amplitude? Yani jo x hai na, uske upar depend kar raha hai kya? It does not depend on that, or a raised to zero. तो इसके ऊपर हमारे चार लॉ हैं, हमारे चार लॉ हैं. अरे उष्णा उसका क्या बोली? Sir, she did not pick up. क्या पता ये सब सोते हैं क्या? कोलिन की बेस्ट फ्रेंड लगती है. लॉ ऑफ लेंथ. Let me explain. I am going to explain only once. Immediately, Colin is answering. Colin, are you ready? Conan. Yes, sir. Law of length. Period of a simple pendulum is directly proportional to square root of its length. Bol. Period of a single pendulum is directly proportional to square of its length. Huh? To? Square of its length. Square, nahi, square root. Square root of its length. Yeah, you need to try square root again. Okay, law of acceleration. Law of acceleration. Alok Gupta, be ready. Period of a simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. Alok Gupta, bol. The period of a simple pendulum is directly proportional to the. अरे इतना जल्दी, इतने इतना बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा गजनी? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे है वो. हाँ इनवर्सली. The period of a simple pendulum is inversely proportional to the क्या था सर, one upon square root of g. जी क्या बोली? जी means acceleration due to gravity. Ohm, the law of length bata. Ohm mystery. The period of simple pendulum is directly proportional to the square root of the length. That is right. Law of mass. Period of a simple pendulum is independent of mass of its ball. Law of isochronism. Period of a simple pendulum is independent of amplitude. Provided the amplitude is small. खाली एक छोटी सी बात है ना, provided amplitude is small. इसमें आएगा mass, इसमें isochronism word बोलने दो, लेकिन अपने को word लिखते हैं amplitude. Amplitude पे depend नहीं करता. Amplitude पे depend नहीं करता. Let me ask. नई बच्ची से मैं पूछता हूँ. नई बच्ची नीता. नीता law of mass क्या बोलता है बेटा? Period is. नीता will you try? Period is directly proportional to m
degree. No. So no, what no. is? Sorry. Period of simple pendulum is independent of mass of its bob. Independent. मतलब mass पे depend नहीं करता. वैसा. That is the meaning. Independent okay. of mass. Independent. Rest to zero यानी it does not depend. Mass पे depend नहीं करता. M rest to zero यानी one हो जाता है ना. M raised to 1 होता तो M, square root होता तो half, raised to half. तो यहाँ पे M raised to 0 means independent. Alright, Omkar, will you try beta? Omkar, what is the law of mass? Period of simple pendulum is? Omkar, will you try? Chal, Omkar. नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है ओके तो ये हो गए चार लॉ ऑलराइट प्रिशा शेट्टी विल यू टेल मी लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म सर द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड प्रोवाइडेड इट इज स्मॉल वेरी गुड दिस इज द बेस्ट आंसर अभी तक जितने आंसर मिले सबसे बेस्ट प्रिशा का आंसर था ओके तो अब हम बढ़ते हैं आगे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लॉस के बाद में हम लोग करेंगे एक स्पेशल पेंडुलम उसका नाम है सेकंड पेंडुलम उसका नाम क्या है सेकंड पेंडुलम क्योंकि उसका सेकंड से कुछ रिश्ता है उसका रिश्ता है इसे सेकंड से तो सेकंड पेंडुलम Remember a simple pendulum or simple pendulum whose period is 2 seconds is called a second pendulum. It's called a second pendulum. A simple pendulum जिसका period कितना है 2 seconds उसको बोलते हैं second pendulum. उसको बोलते हैं second pendulum. Neeta Chaudhary, will you answer this question? What is second pendulum? Neeta. Yes, sir. बोलो, what is second pendulum? Sir, जिसके period 2 है. Yeah, that's right. इसका period 2 seconds होता है. उसको बोलते हैं second. लेकिन इसको आपको ऐसे बोलना है. यार देखो, English में बोलना जरूरी है. क्योंकि आप लिखेंगे English में. A simple pendulum whose period is 2 seconds is called a second pendulum. इतना बोलो वापस नीता. नीता इतना बोलो बेटा. Second pendulum is that who have 2 seconds pendulum. Us period word period bolna hai. Period is 2 seconds. Us period okay. is 2 seconds. Okay. Second pendulum is that who have 2 period pendulum. 2 second period pendulum. That is right. Now this is better. Much better. Arey Marge, what is the formula for period of a pendulum? Simple pendulum. Marge Sheikh. Sir, 2 pi root L upon G. That's lovely answer. But for a second pendulum, period is 2 seconds. So, we have 2 rakhi gaye yahan pe. So, P equal to 2 pi root of L by G. Squaring. So, 4 equal to 4 pi square L by G. So, L ka answer aega. If 4, 4 will get cancelled. L ka answer aega G upon pi square. This is the formula for length of second pendulum. This is the formula for length of a second pendulum. Ye dhyan rakhna. If I take G as 9.8 meter per second square and pi as 3.14, then L answer at 0.9927 meter. Matlab, agar hum log earth ke upar, kyunki earth ke upar G itna hota hai. अर्थ के ऊपर अगर इतने लंबा पेंडुलम लेंगे तो उसका पीरियड 2 सेकंड होगा 2 सेकंड यानी क्या होगा देखो यहाँ से यहाँ 0.5 सेकंड में फिर यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पे 1.5 सेकंड और यहाँ पे 2 सेकंड एक ऑसिलेशन हो गया खत्म तो ये करने का वक्त 2 सेकंड एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का वक्त टाइम 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड एक बार फिर से आपके सामने Second pendulum के pendulum whose period is 2 seconds. T equal to 2 pi root of L by D. T के बदले अगर 2 रखो तो 2 equal to 2 pi root of L by D. Don't. Please, squaring बोल. Cancel भी कर सकते हैं.
तो l इक्वल टू g अपॉन पाई स्क्वायर। अगर मैं g 9.8 लूं, अगर मैं पाई 3.1 कर लूं, तो l का आंसर रहता है 0.9927 मीटर। एक और बात याद रखना, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर मून पे जाएंगे, मून पे कभी पहुंच गए तो g की वैल्यू अलग होगा वहां पे, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम आल्सो विल चेंज, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन g, एंड g वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मून पे गए, मार्स पे गए, किधर और गए, तो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट आर, मेरी नोट्स तैयार रखो बिकॉज आई विल मेक समबडी टू रीड व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड, DAMPED, ऐसे। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आपने ये चीज देखी है? प्रैक्टिकली क्या देखा आपने? ये सपोज पहली बार एम्पलीट्यूड ए था, यहाँ पे भी समझो पहली बार ये यहाँ पे भी ए आया। एज ये ट्यू अगर चलता रहे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा या धीरे धीरे कम होता जाएगा? एम्पलीट्यूड विल गो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, खाली वो बताओ। Decreasing. So such motion in which amplitude is decreasing are called damped oscillation. Are called damped oscillation because इसमें amplitude goes on decreasing with time. सबसे best example is oscillation of pendulum in a clock. Similarly, अगर मैं दो support के बीच में string यानी एक धागा ऐसे tight कर दो, एकदम tight करके धागा रखूं और बीच में ping ऐसा मारूं, you know it will start vibrating. You know, हम लोग ऐसे धागा बीच में से कड़क करके बीच में टिंग ऐसे करेंगे तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इनिशियली ये एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसे 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 टाइम जाएगा इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। तो सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊ, कोई बोले ना ग्राफ बना इसका, तो ये सपोज एम्पलीट्यूड, यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस एम्पलीट्यूड, यहाँ पे माइनस एम्पलीट्यूड, यहाँ पे समय। इनिशियली टाइम टी इक्वल जीरो में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, एज द टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, यहाँ से देखो धीरे धीरे इधर भी नेगेटिव साइड पर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन the amplitude and the time। हमारे पास समय की बहुत कमी है, मैं दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। velocity, acceleration in terms of time, and let me ask Ushna, acceleration in terms of time। Ushna, yes sir। हाँ बोलना, देख के बोल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए अलाउड।